नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। काफी सारे लोग जो है वेट कर रहे हैं गव्य पालन में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। फाइनल उसका नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि किस दिन से उसमें ऑनलाइन आवेदन होगा, कौन से वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन होगा और हम जो ऑनलाइन करेंगे हमारे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सिलेक्शन जो मेरा होगा वो किस तरह से सिलेक्शन होगा, कितने गाय के लिए जो है हमें अनुदान इस बार मिलेगा, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा और हम आपको जो है डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को आज नहीं देखते हो तो आप इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहता है तभी जाकर के दोस्त आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप नहीं देखते हो वीडियो को तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, अगर आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। बट आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हमेशा आप लोग के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाते रहते हैं और इन फ्यूचर बनाते भी रहेंगे। तो चलिए सीधे पेसेस की तरफ। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा बिहार सरकार की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल क्रोम में daddy.bihar.gov.in डालोगे तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब देखिए, यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर देखिए गव्य प्रशिक्षण 2024-25 गव्य प्रशिक्षण 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू है। जो लोग प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर क्लिक करके ना अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे कि किस तरह से इसमें फॉर्म को फिलअप करना है। हम वैसे बात करने वाले हैं इस योजना के बारे में, आइए डिटेल में हम समझते हैं इस योजना के बारे में। ये 2024-25 का नोटिफिकेशन है, इसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये फाइनल आपका नोटिफिकेशन हो गया। हम आपको बताते हैं इस योजना के तहत इस बार क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ये जो है बिहार गव्य पालन योजना है, जिसके अंतर्गत जो है आपको इस बार जो मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए पिछले बार जो था वो 20 गाय तक जो प्रावधान था, 20 गाय तक के लिए भी आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन इस बार जो है केवल आपको जो है 2 गाय और 4 गाय के लिए अनुदान मिलेगा। तो देखिए, जो लोग 2 गाय वाला में ऑनलाइन करना चाहते हैं उन लोगों का प्रोजेक्ट कॉस्ट जो टोटल रहेगा वो 2,42,000 रुपया रहेगा, ठीक है, 2,42,000 2 गाय पर, जिसमें आपको अनुदान जो मिलेगी, सब्सिडी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि माफ जो आपका होगा वो आपका 1,81,500 रुपया माफ हो जाएगा। किन किन लोगों का माफ होगा? जो लोग अत्यंत पिछड़ा से आ रहे हैं और अनुसूचित जनजाति से आ रहे हैं, यानी कि EBC कैटेगरी वाले, EBC उसके बाद जो है SC और जो है ST, ठीक है, ये SC और ST को, SC ST या प्लस EBC वाले को जो है 1,81,000 रुपया माफ होगा। उनके बाद जो अन्य कैटेगरी से आ रहे हैं, ये 3 कैटेगरी को छोड़ करके जो भी जाति से आप आ रहे हैं, तो आपको 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 1,21,000। अब ये जाति वालों को, EBC और SC ST वालों को जो है 75% जो है इनको सब्सिडी दिया जाएगा, बाद में की जनरल जो भी आते हैं उसके अलावा उन लोगों को 50% का सब्सिडी इस बार दिया जाएगा, ठीक है। ये हम आपको 2 गाय के लिए बताए हैं, अब आपको 4 गाय के बारे में बताते हैं। देखिए, जो 4 गाय के लिए आवेदन करेंगे उन लोगों को 5,20,400 रुपया का जो है प्रोजेक्ट कोस्ट टोटल रहने वाला है, जिसमें आपको EBC और SC ST से अगर आप आ रहे हैं तो आपको 3,90,000 रुपया जो है माफ़ हो जाएगा, यानी कि सब्सिडी के तौर पर आपको छूट दे दिया जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं उन लोगों को 2,60,000 रुपया माफ़ किया जाएगा, यानी कि 50%, ठीक है। अब इस साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कहा गया है, देखिए यहाँ पर भी कहा गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 75% अनुदान तथा अन्य सभी के लिए जो है 50% जो है अनुदान की सुविधा है। तो हम आपको एक एक करके देखिए समझाते हैं, आपको थोड़ा बारीकी से समझना है। देखिए, ये 2 गाय और 4 गाय में जो ये पैसा लग रहा है ना, ये कहाँ से आएगा ये हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए, इनमें जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पहले नहीं गाय खरीदना है, पहले फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको भी बताते हैं। जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो ये गाय जो है आपको है आपको खुद से परचेज पहले करना पड़ेगा, उनके बाद जो है आपको सब्सिडी दिया जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो है आपको बैंक भी ऋण दे देगी, जो कि सरकार का कहना है और साफ साफ गाइडलाइंस में दिया गया है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें भी आपको बताया जाएगा कि आपको जो है बैंक भी ऋण देगी। लोन भी लेकर के आप गाय खरीद सकते हैं। गाय खरीदने के बाद जो है उसका वेरिफिकेशन होगा, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आपके घर पे जाकर के जांच किया जाएगा गाय का, और उसके बाद जो गाय जहां से भी परचेज किए होंगे उनका बिल और रसीद भी आपको जाकर के मत्स्य एवं जो है पशु संसाधन विभाग में जो है आपको जमा करना होगा, जो कि प्रत्येक बिहार के सभी जिले में है, तो वहाँ पर जाकर के आप जमा करेंगे, देन उसके बाद जो है आपको ये सब्सिडी प्राप्त होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हम आपको वेबसाइट बता ही दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन जो इसमें 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा, 15/8/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है, तो इस डेट से जो है आवेदन शुरू हो जाएगा। हम आपको 15 तारीख को ही वीडियो बना करके दे देंगे कि किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। आप समझिए कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, अगर आप अभी समझ लेते हैं तो उस टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगा। इनके लिए जो है केवल बिहार के निवासी जो है एलिजिबल होंगे, जो बिहारवासी हैं केवल वही लोग इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने में जो है आपको एक आधार कार्ड लगेगा, देन उसके बाद बैंक पासबुक लगेगा, या फिर जो है बैंक स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो। उसके बाद जो है आपके पास जाति, आय और निवासी करंट का होना चाहिए। 2023 भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है, या फिर 2024 का आप दीजिए तो बहुत बढ़िया होगा। ये आप लगा ही दीजिएगा, ये आपको लगाना मैंडेटरी है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। उनके बाद जो है यहाँ पर ज़मीन का रसीद आप लोगों से मांगा जाएगा, या फिर आप ज़मीन का रसीद दे दीजिए, या फिर जो है आप LPC दे दीजिए, ठीक है। अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है तो आप अपने मतलब वंशज यानी कि पूर्वज के नाम से भी दे सकते हो, यानी कि पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से, या फिर और कोई आपके फैमिली में मतलब ऐसे कोई आदमी है जिसके नाम पर ज़मीन है, आप उनका भी दे सकते हो। रसीद आपके नाम पर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो है अप्लाई करने में मोबाइल नंबर भी लगेगा, उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम तीन डॉक्यूमेंट लिखे हैं, ये अगर ये तीनों में से अगर कोई आपके पास एक हुआ तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा गारंटी है, ठीक है, 500% गारंटी है। लगातार दोस्त 3 साल से इसमें ट्राई कर रहा हूँ, बट जो है हम अपना नहीं, हमारे सर्किल में बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त सब हैं जिनका हम ट्राई करते रहते हैं, हमको इसका प्रॉपर आइडिया मिल चुका है, तो उसी बेस पर हम आपको बता रहे हैं। वैसे ये रियलिटी है, जब आप खुद इसमें करोगे ना तो आपको पता लग ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट आप लोगों से मांगा जाएगा। अगर आपके पास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आप उस कंडीशन में डैडी का रसीद दे दीजिए। अगर आप डैडी का रसीद भी नहीं दे पाते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप GB का सदस्य हुए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्र इसमें उम्र जो है वो 21 वर्ष से 55 वर्ष तक है, बट दोस्तों इसमें हम श्योर नहीं है, 1-2 वर्ष आगे पीछे भी हो सकता है, तो वो हम जब अप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल बता देंगे। बहुत लोग ये प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, डैडी रसीद और जीविका सदस्य के बारे में नहीं समझे होंगे, बहुत लोग समझ गए होंगे तो हम आपको समझा देते हैं। प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जो ये आपको एक गव्य प्रशिक्षण सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब गव्य प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के लिए हम आपको बता ही दिए कि यहाँ से आकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। बहुत लोग कहेंगे कि यार हम अभी अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा कितना दिन में? देखिए दोस्त, अगर आप तुरंत तो नहीं मिलेगा, ये तो फाइनल है, बट आप जो है लगा दीजिएगा, जब उसका फॉर्म अप्लाई करिएगा प्रशिक्षण के लिए ना, तो आपको रसीद निकलेगा उसका, रिसिप्ट एक नहीं दो रिसिप्ट निकलेगा उसका, तो दोनों रिसिप्ट आपको लगा करके जो है फिर आपको फॉर्म जाकर के जमा करना पड़ता है अपने जिला में, ठीक है, गव्य प्रशिक्षण विभाग जहाँ पे होता है मत्स्य पालन का, वहाँ पर जाकर के ना उस ऑफिस में आपको जमा करना पड़ता है प्रशिक्षण वाला रसीद लगा करके कि हम प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए, हम ट्रेनिंग में जाने के लिए इच्छुक हैं। तो वो जिनके पास नहीं है वो लोग ऑनलाइन आवेदन करके ना उसका रसीद लगाएंगे, और जिसके पास है वो लोग लगा देंगे। तो सिलेक्शन होने का फर्स्ट प्रोसेस में आपको बता दिए कि ये वाला से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको ये भी मिल रहा है कि अगर आप डेयरी पहले से, अगर आपके पास गाय भैंस है और किसी डेयरी का आप सदस्य मेंबर बन चुके हैं, यानी कि कहीं आप दूध बेच रहे हैं किसी डेयरी में, कोई संस्था में दूध बेच रहे हैं, तो अगर उस तरह का आप काम करते होंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वहां का आपको जो है प्रूफ मांगा जाएगा, आप वहां का रसीद देंगे, यानी कि आप दूध जो कहीं पर देते हो तो आपको रसीद मतलब बिल तो मिलता ही होगा, वो बिल आपको जो है आवेदन जब जमा करने के लिए हम जाएंगे तो उस बिल को अटैच करके फिर हम जाएंगे फॉर्म को जमा करने के लिए, तो मेरा सिलेक्शन उस केस में हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कहीं पर दूध वगैरह नहीं देते हैं, डैडी मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आप जीविका का सदस्य हैं, जीविका का मेंबर हैं, जीविका में जुटे हुए हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम आपको 3 प्रोसेस बता दिए, इन तीनों प्रोसेस में अगर आप किसी को भी फुलफिलअप करते हो तो आपका सिलेक्शन गारंटी है कि हो जाएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे लिए यही बेस्ट है कि आप जो है प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। अगर आपके पास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा, लेकिन बहुत कम लोगों के पास ये प्रशिक्षण सर्टिफिकेट इनका रहता है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। आप हमें कॉमेंट करिए, या फिर हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा, देखिए आई बटन पर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। लेटेस्ट प्रोसेस देखना चाहते हो 2024-25 में किस तरह से आवेदन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन इसमें करोगे। तो ऑलमोस्ट इसमें देखिए सब जानकारी इस वीडियो में दे दिए हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ भी गए होंगे आप लोग। अगर किसी तरह का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्त, जहां तक हमें पता होगा वहां तक आप लोग को अवश्य बता देंगे। चलिए दोस्त हम इस वीडियो को करते हैं एंड, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।